हमारा ये शरीर चलता है विभिन्न पोषक तत्वों से मिलने वाले एनर्जी के कारण से। अगर ऊर्जा ना रहे तो हमारा शरीर बिल्कुल काम ही नहीं करेगा। हमारे शरीर के जो 12 मुख्य तंत्र हैं, वह सभी ऊर्जा पर ही चलते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है भोजन से, भोजन के ऑक्सीकरण से। अगर जो भोजन हम खाते हैं उसका पाचन होगा ही नहीं तो हमें एनर्जी तो मिलेगी ही नहीं। साथ ही साथ वह पोषक तत्व जो हमारे शरीर को बनाते हैं, जैसे प्रोटीन जो हमारे मसल्स को बनाती है और उसकी मरम्मत करती है, विटामिन्स जो मिनरल्स को अब्सॉर्ब करने का काम करते हैं, और कुछ खास मिनरल्स जो ब्लड जैसे चीज़ों को बनाते हैं, अगर वो चीज़ें हमें मिलेंगी ही नहीं तो हमारा शरीर प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं करेगा। और यह सब हमें मिलता है भोजन से, और केवल भोजन खाने से ही हमें पोषक तत्व तो नहीं मिलते हैं, उस भोजन का पाचन होता है जिसके बाद हमारे पेट में मौजूद ब्लड वेसल्स भोजन में मौजूद उन पोषक तत्वों को अवशोषित कर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा देते हैं, तभी हमें पोषक तत्व मिलते हैं। तो अगर अब तक आप यह बात जानते ही नहीं हैं कि भोजन पचता कैसे है, आखिर जो खाना हम खाते हैं वो पचता कैसे है, तो अब तक आपका जीवन एक मामले में अधूरा ही है, क्योंकि यह बात आपको पता ही नहीं है कि आपका शरीर चल कैसे रहा है, आखिर शरीर में ऊर्जा का संचरण होता कैसे है। तो बिना समय गवाए, बिना फालतू की बात किए हुए आपको तुरंत बताते हैं कि हमारे शरीर में भोजन पचता कैसे है। जैसे ही जब हम अपने फूड को मुंह में डालते हैं, हमारे खाने में हमारा सलाइवा मिल जाता है और दांत भोजन को कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। यह सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि खाना पचने के लिए यह जरूरी होता है कि भोजन को जितना हो सके उतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। फिर इन टुकड़ों के ऊपर हमारे मुंह में ही मौजूद, जिसे कहते हैं बकल कैविटी, उसके अंदर ही दांतों और जीभ के बीच में सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है, जिससे सलाइवा निकलता है। यह सलाइवा भोजन के साथ मिलकर भोजन को बहुत ही ज्यादा मुलायम बना देता है। सलाइवा में ऐसे केमिकल मिले होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद जैसे ही यह भोजन हमारे जीभ पर आता है, हमारे जीभ में मौजूद टेस्ट बड्स इसके स्वाद को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। उसके बाद ही यह स्मूथ फूड जो कि सलाइवा की वजह से हुआ है, वह भोजन की नली से होते हुए, जिसे इसोफेगस कहते हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्टमक होता है वहां पर जाता है। और जैसे ही भोजन स्टमक में जाता है वहां से शुरू होता है भोजन का असली पाचन। पर खास बात यह है कि जब हमारा भोजन हमारे भोजन नली से हमारे पेट की तरफ जाता है, तब यह एक खास प्रकार के मूवमेंट जिसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, उस मूवमेंट के तहत हमारे पेट में जाता है, जिसमें होता यह है कि नली अपने आप को सिकोड़ती है और फैलाती है, जिसके वजह से फूड आसानी से पेट की तरफ चला जाता है। जैसे ही भोजन स्टमक में पहुंचता है, स्टमक इस फूड को अपने इनर लाइनिंग से निकलने वाले गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस के साथ बिल्कुल मथ देता है, यानी मिला देता है, जिसमें से मुख्यतः एंजाइम फूड में से प्रोटीन को अलग कर देते हैं। वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। वही म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ जो कि हमारे स्टमक से ही निकलता है और फूड में जाके मिल जाता है, वो हमारे स्टमक के दीवार को स्टमक से ही निकलने वाले एसिड से बचाता है, ताकि स्टमक की दीवार डैमेज ना हो। स्टमक में से निकलने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से पेट में मौजूद और फूड में मौजूद कुछ हानिकारक बैक्टीरिया हमारे पेट में ही मर जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया हमारे शरीर को बहुत ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा पाते हैं। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देख पा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि स्टमक से जुड़ा हुआ है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी हमारी छोटी आंत, हमारा फूड जो कि पेट में ही मौजूद कई सारे डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल जाता है। उसके बाद इसमें मिले हुए मिक्स मटेरियल को काइम कहा जाता है, और यह काइम अब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ने लगता है। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 2 घंटे का समय लगता है, जो कि अलग अलग फूड पर निर्भर करता है। जैसे ही यह भोजन स्टमक से छोटी आंत की तरफ बढ़ता है, इसमें
और भी कई तरीके के केमिकल रिएक्शन होने लगते हैं। हमारी छोटी आंत लगभग 7.5 मीटर तक लंबी होती है, जो कि बहुत ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है हमारी छोटी आंत का। छोटी आंत भी 3 भागों में बटा रहता है। सबसे ऊपर का भाग जिसे कहते हैं डुओडिनम, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा भाग आता है जिसे कहते हैं जेजुनम, फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी पार्ट इलियम। जब फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो वो सबसे पहले डुओडिनम में आता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है छोटी आंत का। इसमें लीवर से आया हुआ बाइल जूस और पैनक्रियाज से आए हुए पैनक्रियाटिक जूस फूड के साथ मिल जाते हैं। लीवर से आया हुआ बाइल जूस, जो कि स्टमक से आए हुए भोजन के साथ मिल जाता है, उसके वजह से भोजन में मौजूद फैट्स अपने छोटे छोटे फैटी एसिड के स्वरूप में बदल जाते हैं, जिसकी वजह से इनका अब्सॉर्प्शन शरीर में आसान हो जाता है। वही पैनक्रियास से निकलने वाले पैनक्रियाटिक जूस की वजह से कार्बोहाइड्रेट, शुगर और ग्लूकोज में टूट जाते हैं, वही प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाते हैं। अब जब इन जूस की मदद से भोजन में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पोषक तत्व अपने छोटे छोटे स्वरूप में आ जाते हैं, तो इसके कारण से छोटी आंत से यह ब्लड स्ट्रीम में अब्सॉर्ब होने के लिए तैयार हो जाते हैं। छोटी आंत के दूसरे हिस्से जेजुनम में पहुंचते ही छोटी आंत के दीवार पर मौजूद छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे विलीज कहते हैं, उनमें मौजूद छोटी छोटी ब्लड कैपिलरी में इन पोषक तत्वों का अब्सॉर्प्शन शुरू हो जाता है, और यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट जैसे चीजें अब ब्लड वेसल में जाकर पूरे शरीर के विभिन्न अंगों में और शरीर के बाकी के अंगों में पहुंचने लगते हैं। धीरे धीरे इनका पाचन होते ही ये भोजन छोटी आंत के तीसरे हिस्से इलियम में पहुंच जाते हैं, जहां पर इन भोजन में मौजूद मिनरल्स का भी अब्सॉर्प्शन शुरू हो जाता है, जहां से हड्डियों वाले और खून जैसे चीजों को बनाने वाले खनिज तत्व शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाते हैं। इतना सब होने के बाद भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत की तरफ बढ़ जाता है, जहां पर हमारे शरीर के लिए पानी का अब्सॉर्प्शन होता है और कुछ ऐसे मिनरल्स जो छोटी आंत में अब्सॉर्ब नहीं हो पाए थे, वो बड़ी आंत में से होकर ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। बड़ी आंत साइज में 1.5 मीटर तक लंबी होती है और ये छोटी आंत से आकार में चौड़ा भी होता है। जो भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाया होता है या फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो बड़ी आंत से होते हुए हमारे एनस से निकलते हुए हमारे शरीर के बाहर निकल जाती है, जिसे फीकल मटेरियल कहा जाता है, और इस तरह भोजन हमारे शरीर में इतनी कठिनाइयों के बाद पचकर हमें ऊर्जा देता है। तो आपने देखा बहुत ही साधारण सी भाषा में कि भोजन हमारे शरीर में पचता कैसे है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, और वो शरीर के कौन से अंग हैं जो भोजन के पाचन में अपना सहयोग देते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, आपको ये जानकारी कैसी लगी है? अगर ये बात आप पहले से ही जानते हैं और आपको इसके बारे में और भी ज्यादा कुछ पता है, तो ये बात मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिल्कुल भी हिचकिएगा मत, मैं ये बात जानना चाहता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना और इंतजार कीजिएगा मेरे अगले वीडियो का। उम्मीद करते हैं अगला वीडियो आपको और भी ज्यादा अच्छी जानकारी दे पाने में सक्षम हो पाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।